हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम बिसू जॉब सेंटर है। जैसे कि फ्रेंड आपको पता होगा कि मैं इस चैनल पे रोज़ नई नई वैकेंसी के बारे में बताता हूँ। तो फ्रेंड आज जिस वैकेंसी की बात करेंगे वो न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स की तरफ से निकल के आती है। तो फ्रेंड वीडियो शुरू करें उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी को जरूर दबा लीजिएगा ताकि रेगुलर बेस पर आपको वैकेंसी की अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड वीडियो शुरू करते हैं, देख लीजिए एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है ये NFC 02/2019। तो इसमें दिया क्या गया है फ्रेंड, अगर आप मेल या फीमेल हो तो आप दोनों ही कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, क्या दिया हुआ पढ़ के मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हैब यूनिट। ठीक है, तो जो ये आपको वैकेंसी जो निकली है जो आपको राजस्थान कोटा रावल भाट में आपको पोस्ट मिलेगा। ठीक है, पोस्टेड मिलेगा वैकेंसी आपको जॉब लगने के बाद। ठीक है फ्रेंड, इससे बात करें वेरियस पोस्ट पे निकली है फ्रेंड। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपका 10 पास है, ओनली 10 पास आप है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। और ऐसे तो आप बीटेक इंजीनियर सब के लिए वैकेंसी है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे देख लीजिए बहुत ही वैकेंसी इसमें दे दिया है स्टेबेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी में CET में कैट में 5 SC का है, ST का 2, OBC का 10, EWS का 3, UR का 19। तो इस तरह टोटल जो आपका है 39 पोस्ट आपका टोटल इसमें मैकेनिकल है, केमिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या क्वालिफिकेशन क्या मांगा है फ्रेंड, इसमें आप बीटेक होना मतलब बीकॉम साइंस केमिस्ट्री में होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड आगे बात करें फ्रेंड इसमें देख लीजिए यहाँ पे वैकेंसी दी हुई क्या क्या वैकेंसी में, इसमें भी 10 पास है लेकिन आपको ITI सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ठीक है, कम से कम 1 साल का होना ज़रूरी है। ठीक है, ITI अगर इस पोस्ट में काम कर चुके हैं तो ITI होना ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड, आगे बात करें फ्रेंड मिनिमम देख लीजिए अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए क्या चाहिए फ्रेंड, वैकेंसी जो टोटल 12 है जिसमें SC का 2 है, OBC का 3, EWS का 1 और जनरल का आपका 6। इसमें क्या दिया हुआ फ्रेंड, आप अगर 18 से 27 साल के अंदर आपका 28 मिनिमम इसका एज लिमिट है। वहीं एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करें तो आपको कॉलेज पास होना ज़रूरी है, विथ 50% आपका होना ज़रूरी है। कॉलेज पास है तो आप 50% में तो आप इस फॉर्म के एलिजिबल डिराइजेबल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आगे फ्रेंड बात करें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की थी वो 10 पास है, जिसमें आपको जो पोस्ट नेम है वर्क असिस्टेंट हॉस्पिटल वर्क असिस्टेंट है। ठीक है, जिसमें SC का 3 है, ST का 1 है, OBC का 4, EWS का 2, जनरल का 10, टोटल जो है पोस्ट है 20 पोस्ट। ठीक है, जो ये वैकेंसी जो है बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है जिसमें आपको डायरेक्ट जो साइंटिस्ट लोग के वहाँ काम मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, और इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो बोला गया वो 10 पास अब है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। ठीक है फ्रेंड, इस तरह बहुत सारे पोस्ट जो है के बारे में निकली हुए। ठीक है, मैं ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ तो आगे मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगा। तो आगे बात करें फ्रेंड तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें फ्रेंड तो देख लीजिए यहाँ पे प्रीलिमिनरी टेस्ट होने वाला है, 2 टेस्ट होगा। ठीक है, सब पोस्ट के लिए अलग अलग है। ठीक है फ्रेंड, सब पोस्ट के लिए अलग अलग दिया हुआ है फ्रेंड कि सब में दो है। मिनिमम का बात करें फ्रेंड, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो 10 पास है उसके लिए जो क्या चाहिए तो देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो 10 पास है इसमें क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर्ड फर्स्ट टेस्ट जो होगा वो 50 नंबर का होगा। ठीक है, जिसमें 20 नंबर का मैथ साइंस, 20 नंबर का जनरल अवेयरनेस, 10 नंबर का, इस तरह से आपको 50 क्वेश्चन होगा जिसके लिए आपको 150 मार्क्स मिला जाएगा। ठीक है फ्रेंड, जिसमें एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिला जाएगा और एक क्वेश्चन रॉन्ग होने पर 1 मार्क्स कटेगा। ठीक है फ्रेंड, इसमें जो है 2 स्टेज होगा, फर्स्ट स्टेज आपका बेसिक है, सेकेंड स्टेज जो एडवांस है। एडवांस में क्या है, फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई करने के बाद सेकेंड स्टेज में जाएंगे कैंडिडेट। इसमें क्या होगा, आपका 15 नंबर का मैथ होगा, 15 नंबर का साइंस होगा, जनरल में 10 नंबर का, और बेसिक मैथ इंग्लिश 10 नंबर का होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपका कितना 50 क्वेश्चन होगा, जिसमें आप
आपको 3 नंबर, एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलेगा, वही एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स, एक रोंग क्वेश्चन आंसर के लिए 1 मार्क्स कटेगा, ठीक है। और जो फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपका सेकेंड स्टेज पे जो एडवांस स्टेज टेस्ट है उस पर ही कैंडिडेट को हायर मतलब वैकेंसी में लिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे फ्रेंड बात करें कि इसका अप्लाई किस तरह करना पड़ेगा, तो सिंपली आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, ठीक है फ्रेंड। सिंपली आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर जाके आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन फ़ीस जो रखी गई है फ्रेंड, बता दूँ मैं, आवेदन फ़ीस जो रखी गई है वो जनरल एसटीएससी और ईडब्ल्यूएस वुमेन के लिए कोई फ़ीस नहीं लग रही, वहीं आपको अदर कैटेगरी के लिए ये पोस्ट जो दिया हुआ इस पोस्ट के लिए 150 रुपया, वहीं अदर पोस्ट के लिए 100, यानी सब पोस्ट के लिए 100-150 लग रहा है, ठीक है। हर वहीं ESW आपका STSC के लिए कोई फ़ी नहीं लग रहा है, वुमेन के लिए कोई फ़ी नहीं लगता फ्रेंड। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगे, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।